बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गोड़ा के पहुंचते ही राजस्थान विधानसभा में 24 जुलाई को जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा में गोड़ा लाल डायरी के साथ पहुंचे, स्पीकर के सामने वो डायरी लहराने लगे थे। गोड़ा यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का माइक तक नीचे कर दिया। दरअसल धारीवाल गोड़ा को संसद से बाहर निकालने का प्रस्ताव रख रहे थे। दोनों के बीच तकरार बढ़ने पर कांग्रेस विधायक बीच में आ गए। इस बीच गोड़ा के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई हुई। धक्का मुक्की और मारपीट के हालात बनते देख स्पीकर सीपी जोशी ने विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित करने का फैसला लिया। इसके बाद स्पीकर ने गुड़ा को सदन से बाहर निकालने के आदेश दिए और मार्शल बुलाकर उन्हें सदन से निकलवा भी दिया। वहीं गुड़ा ने कहा कि पहले सीएम साहब ने रसगुल्ले दिए थे और आज घूसे मार दिए हैं। बताना चाह रहा हूं इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही है। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घेंस के बाहर निकाला। मार्शल तो आए नहीं थे तब तक। वहीं बीजेपी ने अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए लाल डायरी का जिक्र किया और कहा कि ऐसे कौन से राज हैं जो उस लाल डायरी में दबे हुए हैं। पूरा राजस्थान जानना चाहता है कि ये कौन सी गहलोत जी की लाल डायरी है जिसमें काले कृत्यों के बारे में विस्तृत जानकारी छिपी हुई थी। जो खुलासा अब राजेंद्र गुड़ा ने किया है कि एक लाल डायरी को नष्ट करवाने के लिए, एक लाल डायरी की बरामदगी के लिए अशोक गहलोत जी जिस प्रकार से वो बातें रख रहे थे, तो अब तो स्पष्ट होना चाहिए कि काले कृत्य वाली इस लाल डायरी में क्या था। क्या हजारों करोड़ों के स्कैम का रहस्य था? इस समय राजस्थान में लाल डायरी को लेकर काफी असमंजस फैला हुआ है। गुड़ा के अनुसार उन्होंने इस लाल डायरी में अशोक गहलोत सरकार के काले कारनामों का हिसाब किताब रखा है, लेकिन विधानसभा में लाई गई पहली डायरी किसके पास है, ये भी एक बड़ा सवाल है।